सुबह सुबह ही देखो मैंने लगा दी है जूतों की दुकान, और ऐसा इसलिए किया है अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि ये जो मेरा शू रैक है ना वो देखो पीछे से बिल्कुल ही खराब हो रहा है, तो बस इसे दिखाना था थोड़ा सा धूप, और यही वजह थी कि मैंने सारे जूते चप्पल को ना निकाल करके फैला दिया है। इसे 1 से 2 दिन तक थोड़ा सा धूप लगाएंगे, ये सही हो जाएगा। और ये देखो ये आ गया पूरा का पूरा लंच, और जी हाँ हस्बैंड का खाना है ये, और खा करके ये निकलेंगे अपने काम पर और हम और राघव रहेंगे घर पे। और देखो इधर ये क्या ही हो गया। एक्चुअली दोनों में हो गई थी लड़ाई, तो लड़ाई में ऐसा कुछ हुआ नहीं, और राघव तो बिन बात के रो रहा था, सिर्फ ये हुआ कि राघव क्या कर रहे हो, क्यों मारे, और बस इतना बोलना था नहीं कि राघव का रोना शुरू हो गया और सिद्धि डांट खा गई, तो इस वजह से सिद्धि रो रही थी। और दोनों लोग मिलकर कम से कम रोए होंगे 1 घंटे कंटिन्यू एक दूसरे का देख देख के बस। तो आजकल जो है फिर से वो मौसम गर्म हो गया है और जो है गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई, अब ये समझ में नहीं आता कभी मौसम अच्छा हो जाता है और कभी जो है अचानक से फिर से गर्मी बढ़ जाती है, तो बस ऐसा ही आजकल चल रहा है मौसम, कभी गर्म तो कभी ठंडा। तो अभी हो गया है डिनर टाइम और मेरे पास दोपहर के बचे हुए थे थोड़े से चावल, तो बस उनको हम फ्राई कर रहे हैं ये। और दोपहर में मैंने गिरा हुआ है प्लेट नीचे गिरा था, तो दोपहर में मैंने बनाया था ना पूरा चावल दाल रोटी सब्जी, और दाल बची थी तो राघव को दे दिया है चावल दाल, वो खा रहा है और हम लोग थोड़ा सा राइस फ्राई करेंगे, और शाम को ऐसा मतलब थोड़ा नाश्ता कर लिया था हैवी, तो अभी ज़्यादा भूख है नहीं तो इतने भी सबका काम चल जाएगा, तो बस वही सब चल रहा है। और सिद्धि के हो गए हैं पेपर्स स्टार्ट, तो इस वजह से सिद्धि आने के बाद से फिर पढ़ना बैठ जाती है, मतलब पढ़ने बैठ जाती है, तो बस ये सब चल रहा है। और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है क्योंकि सिद्धि ऐसा छोड़ करके बैठा दो ना तो नहीं पढ़ाई करती, साथ साथ लगे रहना पड़ता है, तो बस यही सब है। यहाँ पर दिया है मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कि राघव को डिनर कराएं, और ये देखो ये अपने फ़ोन में बिजी, पता नहीं खिला रहे कि नहीं, और राघव ऑलरेडी अपने फ़ोन में बिजी, तो ये है। और सिद्धि को यहाँ पर बैठाए हैं पढ़ने के लिए, अलग नहीं रहा कि सिद्धि के दिमाग में कुछ जा रहा है। मैंने राघव को दिया है, तो बस चलते हैं हम किचन में और अपना काम करते हैं। ये है हमारी कान्हा जी का डिनर, और ये देखो दूध रोटी, तो थोड़ा सा गर्म है और इसलिए इसको ठंडा करके खिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ना दिया कान्हा जी को भोग लगाया दूध और रोटी का, और एक्चुअली क्योंकि मैंने दोपहर के चावल फ्राई किए थे तो ऐसा मेरा पहले का बना हुआ ऐसा खाना दे नहीं सकते हैं ना दोबारा सा ऐसा भोग लगा करके, तो इस वजह से मैंने दूध और रोटी दिया और बस यही था ठंडा करके खिलाया। तो ये है सिद्धि का डिनर निकल रहा है, ये है साथ में, और साथ ही कान्हा जी ने भोग लगाया है ना, ये सिद्धि को दे देते हैं दूध रोटी का। ये हो गया दूध रोटी और साथ में जो मैंने ना चावल फ्राई किया था, और अब लेके चल के देते हैं। तो अभी बच्चे खा लेंगे और हम लोग के खाने में अभी है थोड़ा सा टाइम क्योंकि हस्बैंड खिला रहे राघव का, और इतनी देर में अभी बंद हुआ मतलब फिनिश ही नहीं हो पाया राघव का, धीरे धीरे राघव का जो है मुंह खुल रहा है ना धीरे धीरे खा रहे, तो अब दे रहे हैं सिद्धि का। यहाँ पर मैंने पालक को बिन करके अलग कर लिया है, और पालक देखो एकदम से खराब मिली थी, और इस सीजन में तो पालक मिलती ही नहीं है, फिर भी किसी तरह मिल गई थी, और क्योंकि मजबूरी थी हम लोग की खरीदना, और पता है क्यों खरीदा, क्योंकि सिद्धि के स्कूल में है कल न्यूट्री डील एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी में सिद्धि को लेकर के जाना है पालक से बनी हुई कोई भी रेसिपी, और साथ में मौसमी से बना हुआ कोई भी मतलब कुछ भी आप जूस शेक कुछ भी बना के दो, तो बस इसीलिए लेना पड़ा हम लोग को इस सीजन में पालक, और जो कि एकदम से ठगे गए क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं मिला, ऊपर से हरा भरा था अंदर एकदम से गीला गीला था। लेकिन स्कूल वाले बोले तो वो चीज़ तो पूरी करनी ही पड़ती है, तो बस यही था। और तो डिनर वगैरह हो चुका है, सारी तैयारियां हो गई, सुबह की प्रिपरेशन कर लिया है लंच बॉक्स के लिए और क्या कैसे करना है सारा सब कुछ, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो तक के लिए चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय।